तो फाइनली Redmi 9 पावर डिवाइस में MIUI 12.5.7.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो इस अपडेट में आप लोग को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिला है, करेंगे इसका फुल रिव्यू। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि जिन Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स को MIUI 12.5.7.0 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है तो उन्हें फाइनली कब तक देखने के लिए मिल जाएगा, एंड ये अपडेट का आप लोगों को ना फाइल साइज अभी कितना देखने के लिए मिला है। सो गाइस, अगर आप भी हैं Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स तो वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइज, Redmi 9 पावर डिवाइस में MIUI 12.5.7.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को एक वीडियो में हम इन्फॉर्म किए थे कि Redmi 9 पावर डिवाइस में ना MIUI 12.5.5.0 अपडेट के बाद ना बहुत सारे बग एंड इशू देखने के लिए मिल रहे थे। तो उस अपडेट में ना आप लोगों को यहाँ पे यार बग एंड इशू जो देखने के लिए मिल रहे थे, तो यहाँ पे जो Redmi 9 पावर डिवाइस के जो यूजर्स है ना वो कॉमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भाई Redmi 9 पावर डिवाइस में ना न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को इन्फॉर्म किए थे कि आप लोगों को ना मिड मार्च तक आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड फाइनली गाइस, Redmi 9 पावर डिवाइस में MIUI 12.5.7.0 वर्जन के साथ में ना न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट तो हो गया है। सो गाइस, अगर आप भी हैं Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स तो आप अपने डिवाइस के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट को जरूर चेक करें। देन गाइस, अब हम बात करते हैं कि MIUI 12.5.7.0 वर्जन के साथ में ना आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिला है। तो गाइस, आप लोगों को ना यहाँ आप लोगों को चेंज लॉग जो है वो ऐप्स में देखने के लिए मिल जाता है। इट मींस यार आपके डिवाइस में जो भी छोटे मोटे बग एंड इशू थे ना उन्हें यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो गाइस, जैसे ही आप अपने Redmi 9 पावर डिवाइस को ना MIUI 12.5.7.0 के अपडेट में अपडेट करेंगे तो आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू थे उन्हें यहाँ पे इस अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया गया है। सो गाइज, आपको अगर ये अपडेट देखने के लिए मिल गया आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपडेट में आप लोगों को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। ओनली ये अपडेट ना बग फिक्स का ही अपडेट देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ में गाइज, आपके डिवाइस की जो सिक्योरिटी पैच है ना उन्हें यहाँ पे और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया है, एंड आपके फ़ोन के स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। सो गाइज, ये बेटर ऑप्टिमाइजेशन के साथ आप लोग को ये एक अपडेट देखने के लिए मिला है। सो गाइज, अगर आपको अपडेट देखने के लिए मिल गया है तो आप अपने डिवाइस को ना अपडेट कर सकते हैं। अगर बात करें इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में तो ये अपडेट का फाइल साइज ना आप लोगों को 491 MB देखने के लिए मिल जाता है। इट मींस यार आप लोगों को फाइल साइज ना आप लोगों को 500 MB के अंडर में ही देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे फाइल साइज भी आप लोगों को ठीक ठाक मीडियम में देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें गाइस कि जिन Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स को MIUI 12.5.7.0 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला तो उन्हें फाइनली कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज, ये अपडेट ना आज से मिलना स्टार्ट हुआ है। एंड गाइज, आप लोगों को मालूम होगा कि पहली बार जो अपडेट देखने के लिए मिलता है ना वो अप्रॉक्स 5-10% यूजर्स को ही देखने के लिए मिलता है, एंड अपडेट उसमें से भी अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अपडेट को स्टेक करा दिया जाता है। उसके बाद अगर अपडेट में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है तो अपडेट ना आप लोगों को अप्रॉक्स 1 वीक बाद देखने के लिए फिर से मिलता है। एंड गाइज, ये जो अपडेट देखने के लिए मिला है ना इस अपडेट में कोई भी मेजर बग एंड इशू नहीं है। सो गाइज, आप लोगों को ना फिर से अप्रॉक्स 1 वीक बाद सभी यूजर्स के लिए ना अपडेट मिलना स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें से भी अपडेट कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलेगा, एंड अपडेट अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलेगा। सो अलर्ट रहकर ना सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। वैसे गाइज, आप अलर्ट रहने के लिए ना चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि Redmi 9 पावर डिवाइस में ना जब भी फिर से यह अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पर न्यू वीडियो के जरिए। सो फिलहाल में अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड एक चीज और मेंशन करना कि आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिला या फिर नहीं मिला। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।